नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 7 AM के करंट अफेयर्स शो के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो इस हफ्ते के सबसे इम्पॉर्टेंट 40 से 50 सवाल हैं उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने मंडे से फ्राइडे सेशन को देखा होगा, वैसे लोग काफ़ी कम देख रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों जब तक कि कर्फ्यू नहीं हट जाता। हाँ, कर्फ्यू हटने के बाद हम सेशन को फिर से स्टूडियो से लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों यूज़ आपको कोड करना है कोस्टेन, ये कोड आपका LIC बैचेस के लिए, क्लर्क SSC के लिए तो यूज़ होगा ही होगा, साथ में रेलवे, UPSC, बैंक या फिर किसी और वर्टिकल में जो अनअकाउंट प्लस पे चल रहा है वहाँ पर भी इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। PM एंटोनियो कोस्टा विल बी ऑन अ 2-डे विजिट टू इंडिया, ही इज़ द PM ऑफ विच कंट्री, कौन से देश के दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर हैं? उत्तर है पोर्चुगल। पोर्चुगल के दोस्तों ये फिलहाल आपके प्राइम मिनिस्टर। इनमें स्पेन भी न्यूज़ में, बिकॉज स्पेन में अभी हाल ही में क्या हुआ था आपका COP25, जो क्लाइमेट चेंज को फोकस करता है। फिकी ने इनमें से कहाँ पर 9वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ 2019 को किया है? इस शहर का नाम है दोस्तों आपका नई दिल्ली, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। भुवनेश्वर में हाल ही में किया गया था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स, यहाँ पर पहला रोबोट हॉस्पिटल भी लॉन्च किया गया है। लखनऊ में होने वाला है आपका डेफेक्सपो, मुंबई में आपका हुआ था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। अंडर मिशन अंत्योदय स्कीम मोलू गम्बुंडी ग्राम पंचायत हैज टॉप द रैंकिंग्स फॉर द ईयर 2019, दिस ग्राम पंचायत इज लोकेटेड इन। मिशन अंत्योदय योजना के तहत मोलू गम्बुंडी ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019 के लिए रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यह ग्राम पंचायत इनमें से कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है तमिलनाडु में ये आपका स्थित। दोस्तों तमिलनाडु वही जगह है जहाँ पर अभी हाल ही में आपका अभी इन्फॉर्मल समिट हुआ था। तमिलनाडु दोस्तों वो जगह है जहाँ पर जो दूसरा स्पेस पोर्ट है इंडिया का श्रीहरिकोटा के बाद आंध्रा में, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र न्यूज़ में, बिकॉज आयरिस स्कैनिंग करने की सुविधा देने वाला पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ये पहला सीट बनाए। गुजरात तो खैर न्यूज़ में, बिकॉज भावनगर में भारत का पहला, दुनिया का पहला CNG पोर्ट बनाए। और आंध्रा की अगर बात करें तो काफ़ी वजहों से न्यूज़ में है, ये ट्राई करेगा कि 3 राजधानी इसकी हों, चाहे अमरावती हों, चाहे विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा हों, जिनको ये अलग अलग कामों के लिए यूज़ करेगा। नेम द स्टेट हु हैज़ बीन टॉप्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द कीएस एज रिपोर्ट इन पॉलिसी एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, उस राज्य का नाम बताइए जो नीति और मिशन मोड परियोजना के प्रदर्शन में कोएज एज रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है। इसका उत्तर है आपका छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा है। ऑन द लाइन्स ऑफ विच कंट्री आंध्र प्रदेश CM हिंटेड दैट स्टेट कुड हैव 3 कैपिटल्स फॉर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस देश की तर्ज पर संकेत दिया है कि राज्य में विकेंद्रित विकास के लिए 3 राजधानियों को हो सकती हैं? उत्तर है आपका दक्षिण अफ्रीका। इसके साथ ये उन्होंने बात यहां पर कही हुई है। ब्राज़ील दोस्तों न्यूज़ में, बिकॉज ब्राज़ील में अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ था, उस वजह से ब्राज़ील आपका न्यूज़ में था। इनफैक्ट यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने वाले रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट भी होने वाले हैं, उनका नाम है आयर बोल्सोनारो। The author of An Era of Darkness, The British Empire in India has won the Sahitya Akademi Award 2019. Who is the author of this book? An Era of Darkness, The British Empire in India के लेखक के ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है शशि थरूर। इनको दिया गया इस किताब के लिए इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार। UNHCR के मुख्यालय कहाँ पर? आसान सवाल है, उत्तर है आपका दोस्तों जिनीवा में इसके मुख्यालय हैं। मतियाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अभी आजकल न्यूज़ में था, ये स्थित आपका दोस्तों है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर का नाम, नए प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया राजपक्से, उनके बड़े भाई बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंदा राजपक्से। श्रीलंका को जो ग्रे लिस्ट है उसे हटाया गया है, और अभी हाल ही में लोटस टावर यहाँ पर दोस्तों बनाया गया, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर है। और यहाँ पर कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भी आपकी हुई, जो कोलंबो में आपकी आयोजित की गई। What is the name of the Indian scientist on which white yellow star in Sextans constellation has been named? Sextans नक्षत्र के सफ़ेद तारे का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? उत्तर है आपका भीभा। कीव इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री एंड द आंसर इज़ इट इज़ यूक्रेन। यूक्रेन की दोस्तों एक आपकी कैपिटल है, और अगर मैं सही हूँ तो विर्निया जो है वो दोस्तों यहाँ की आपकी करेंसी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
आर एन रवि विल होल्ड एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मेघालया. ही इज द गवर्नर विच स्टेट. आर एन रवि मेघालया के राज्यपाल के रूप तौर पर अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे. वो किस राज्य के राज्यपाल फिलहाल हैं? नागालैंड के दोस्तों हैं. इनफैक्ट नागालैंड का जो नागा इशू था उसमें ये स्पेशल इंटरलोक्यूटर या स्पेशल अधिकारी थे सरकार के, और नागा इशू को बेहतर करने के लिए इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था. कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? आसान सवाल है, उत्तर है आपका कर्नाटका. ICAR एंड NABARD हैव साइन MOU टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम इन रिसर्च. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAR? ICAR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और NABARD ने कृषि और कृषि प्रणालियों के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए. ये कहाँ पर है? इसके मुख्यालय आंसर है आपका नई दिल्ली. दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बन सकता है SIDBI के मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या होगा SIDBI का? उसका आंसर होगा आपका लखनऊ. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे NABARD की, तो NABARD हेडक्वार्टर मुंबई में है या नई दिल्ली में, इसका जवाब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है. 3-day स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल हैज बिगन इन. 3-दिवसीय राज्य स्तरीय नारंगी त्यौहार कहां पर हुआ? उत्तर है आपका मणिपुर. जूबा इज द कैपिटल ऑफ, एंड द आंसर इज इट इज साउथ सूडान. हु हैज बीन नेम्ड एज ICC's वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एलिसा पेरी को ये खिताब दोस्तों दिया गया है. सवाल मेरा आपसे है कि ये कौन से खेल से बिलोंग करती है? अच्छा, इनमें से वो कौन खिलाड़ी हैं एकमात्र जिन्हें वुमेन्स के T20 और वनडे में दोनों में स्थान मिला है? उनका आंसर है स्मृति मंदा, जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बिकम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्ट्रेस टू गेट वैक्स फिगर एट मदाम तुसाद्स इन सिंगापुर? निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री सिंगापुर की मदाम तुसाद में फैक्स आकृति पाने वाली पहली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री होंगी? इनका नाम है काजल अग्रवाल. इन्होंने बॉलीवुड मूवी सिंघम में मेन रोल प्ले किया था. गीता सिद्धार्थ हैज़ पास्ट अवे. ये क्या थे दोस्तों? यह एक मशहूर अभिनेत्री थी. अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने शोले जैसी मूवीज़ में भी दोस्तों बेहद अच्छा अभिनय किया था. माइंड मास्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों विश्वनाथन आनंद की. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्चुअल पुलिस स्टेशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड पुलिस? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों और पुलिस के बीच खालीपन को भरने के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश. यहाँ पर इसका उद्घाटन दोस्तों हाल फिलहाल में किया गया. सवाल मेरा दोस्तों यहाँ एक बनेगा, तेलंगाना के नए लोकायुक्त कौन है? इसका नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है. अब्दुल मजीद तैबौने हैज बीन इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब्दुल मजीद तैबौने को किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है? इस देश का दोस्तों नाम है आपका अल्जीरिया. अदलवीज AMC हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड भारत बॉन्ड ETF. व्हाट इज बेसिकली ETF? ETF का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. बेसिकली होता क्या है कि एक म्यूचुअल फंड होगा, इसको आप लिस्ट करोगे एक एक्सचेंज पर, और एक्सचेंज में बदलाव से इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू में भी बदलाव होगा. मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो वैल्यू हम लेते हैं एक म्यूचुअल फंड की, उससे यहाँ पर मतलब नहीं होगा. यहाँ पर जो एक्सचेंज का चेंज होगा वही चेंज म्यूचुअल फंड्स में होगा, जिससे कि इसकी वैल्यू एक दिन में कई बार ऊपर नीचे आपकी जा सकती है. Which of the following state has become the 7th state to receive the President Colour? इस particular राज्य का नाम है आपका गुजरात. COP 26 कहाँ पर होगा? आसान सवाल है, और उत्तर है ग्लासगो. विजय मृतम एंड सहाचरी स्कीम विल सपोर्ट डिफरेंटली एबल्ड पीपल? द स्कीम वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट? उत्तर है यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जो कि है केरल. केरल में इस स्कीम को दोस्तों सपोर्ट किया जाएगा. फॉसिल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये नेशनल पार्क आपका दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर फोर्स है रिसेंटली लॉन्च्ड मैट्रिमोनियल पोर्टल फॉर अनमैरिड एंड विडो ट्रूप्स? निम्नलिखित में से किस सीमा बल ने हाल ही में अविवाहित और विधवा सैनिकों के लिए वैवाहिक पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स. According to the latest report by US National Science Foundation, India is the dash largest producer of scientific articles. US National Science Foundation की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक खेलों का कौन से नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है आपका तीसरा. इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ऑर्गेनाइज द 18th नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग. भारत तटरक्षक ने इनमें से कहां पर 18वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित की है? इस जगह का नाम है आपका न्यू दिल्ली. यहां पर इसको आयोजन हाल ही में किया गया.
द 11th रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव विल बी होस्टेड बाय, कहाँ पर इसकी मेज़बानी हो रही है? इसका उत्तर है आपका उत्तराखंड, ये वही जगह है जहाँ पर पिथौरागढ़ है, जहाँ पर हाल ही में आपका काजिन 2019 को पार्टिसिपेट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऑनलाइन? निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को ऑनलाइन खरीदने के और बेचने के लिए भारत का पहला अपशिष्ट विनियमन मंच लॉन्च किया है? उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जो कि है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द नेम ऑफ एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड इन कोची पोर्ट? कोची बंदरगाह में किए गए एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का नाम क्या है? इसका उत्तर है अपहरण, ये इस अभ्यास का दोस्तों नाम रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज क्रॉस्ड 100 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप? कौन सा वो बैंक है जिसने 100 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप कैप्चर किया है? उत्तर है HDFC बैंक। अभी हाल ही में 10 लाख करोड़ का जो एक मार्केट कैप है उसको TCS ने, उसको हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, माफ करना, क्रॉस किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिफॉर्म वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिगन। यूनिफॉर्म वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पर राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका उत्तर है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसको शुरू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ प्लेस्ड 100 मिलियन US डॉलर्स टू नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू इन्वेस्ट इन अप टू 10 प्राइवेट इक्विटी फंड्स? निम्न में से किस बैंक ने 10 निजी इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए NIIF को 100 मिलियन US डॉलर्स देने का वादा किया? दोस्तों ये बेसिकली इट इज FOF, FOF मतलब होता है फंड ऑफ फंड, जहां पर एक फंड कई फंड से मिलकर बनता है। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद IOCL फॉर क्रेडिट कार्ड? निम्नलिखित में से किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? इस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। What is India's GDP forecast by Moody's for 2024 financial year 2020? Moody's द्वारा financial year 2020 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूरा अनुमान क्या है? उत्तर है 4.9%। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पढ़ना लगा होगा। कल हम लेके आएंगे एक और एडिशन सुबह 6 बजे टॉप 100 MCQ का। तब तक दोस्तों आपका धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत। याद करिएगा कोड एक यूज़ करना है आपको, दैट इज कुश10 फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन एनी पैच ऑन एनी वर्टिकल ऑन अन अकेडमी प्लस। बाय गाइस, जय हिंद और जय भारत।